सो बच्चों, जैसे अभी हमने देखा ना, परिमेय में संख्या क्या होती है, जिसे p बटा q में लिख सकते हैं। q जीरो नहीं है, p और q एक पूर्णांक होते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड, अनगिनत, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप निकाल सकते हो परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा अपरिमेय संख्या की। ऑब्वियसली बात है, परिमेय संख्या का उल्टा ही होगा, है ना। ऑब्वियसली परिमेय संख्या का उल्टा ही होगा। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा q में लिख सके, तो अपरिमेय संख्या बच्चे क्या होगी, जिसे हम p बटा q में नहीं लिख सकते, है ना। तो एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब p बटा q के रूप में किसे नहीं लिखा जा सकता, मेरे ना इसमें एक चीज मैं बताती हूँ, जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, याद रखिए। अब बहुत बच्चों को ना एक कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चे कहते हैं मैम जो दशमलव में नहीं लिख लेते हैं ना, दशमलव वाली संख्याएं होती है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। नहीं, बहुत गलत बात है ये, बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है, ध्यान से समझना, ये आप लोगों की गलत फहमी बेटा। मान लो मैं एक बटा दो लिखती हूँ, मैं एक बटा दो को दशमलव में बदल के 0.5 लिख सकती हूँ ना, 0.5 लिख सकती हूँ ना, और 0.5 को क्या मैं p बटा q में नहीं लिख सकती, 5/10, ये तो हो गई परिमेय संख्या। जो भी संख्या p बटा q में लिख पाए वो परिमेय संख्या होती है ना। तो आपका जो ये गलत फहमी है कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात समझ आई है, ये हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कि जो दशमलव वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है बच्चों। कौन सी होती है फिर, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या बच्चे वो होती है जिसे हम p बटा q में नहीं लिख सकते। अब p बटा q में हम किसे किसे नहीं लिख सकते हैं ये समझो। देखो, जो अंडर रूट यानी कि वर्गमूल वाली होती है ना, जिसका पूरा वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो वाली नंबर हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं वर्गमूल 3 लिख दूं या वर्गमूल 5 लिख दूं, वर्गमूल 7 लिख दूं, ठीक है। और वर्गमूल 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा वर्ग है, किसका वर्ग है, मैं वर्गमूल 4 को 2 वर्गमूल 2 लिख सकती हूँ ना, यहाँ से फिर 2 बाहर आ जाता है, तो ये 2 का पूरा वर्ग है, ठीक है। जैसे 2, जैसे 4 हो गया, है ना, और कौन सा 9 हो गया, वर्गमूल 9, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, उनके पूरा नंबर निकल के आता है, दो पेयर से एक नंबर निकल के आ रहा है, वो हमारे परिमेय संख्या होती है। उसके अलावा जितने भी बेटा नंबर लिख लो आप, जैसे 11 लिख दूं मैं, 10 लिख दूं, है ना, इनका ऐसे पेयर बना ही नहीं सकते हो, है ना, 13 लिख दूं, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें हम p बटा q में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन से नंबर होते हैं, जो बेटा कभी भी ना रिपीट भी नहीं हो रहे, रिपीट का मतलब समझना कि जो बार बार एक जैसे नंबर भी नहीं आ रहे, दशमलव में ये टाइप होती है। दशमलव में कौन से नंबर होते हैं, जो एक बार दशमलव में के बाद ना यहाँ पर रिपीट नहीं होते, रिपीट मतलब बार बार एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, मतलब समझना दशमलव में इस चीज को। हाँ बच्चे, कुछ डाउट है क्या, ठीक है, मैं इस चीज को बेटा इस तरीके से समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं एक पेपर पेज निकाल लेती हूँ, एक मिनट, देखो दशमलव ना आपके तीन तरह के अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक दशमलव वो होता है जो बेटा पूरा दशमलव नंबर दे देता है, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पर लिख लू 1/2, ठीक है। आपने बोला मैम 1/2 को मैं एक दो से एक को भाग कर देंगे, है ना, और मैं इसको जीरो लगा के यहाँ पर हम 5 से कर देंगे, तो सिंपल हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर बेटा कोई पूरा ऐसे ही आ रहा है जिसे दशमलव आप निकाल रहे हो सिंपल, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, परिमेय संख्या, क्योंकि हम p बटा q में लिख सकते हैं। मान लो यहीं पे मैं एक दूसरा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा ले, मान लो 10/3 ले लेते हैं, ठीक है। 10/3 को आप करो, 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, एक आ गया, फिर आपने दशमलव लगाया, जीरो लगा दिया, फिर आपने 3 से किया, फिर 9 आ गया, फिर जीरो लगाया, 3 से किया, क्या ये कभी खत्म होगा, नहीं बच्चे, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है,
कभी भी खत्म नहीं होगा, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर शेषफल कभी जीरो नहीं आएगा। हम कब तक सॉल्व करते हैं कोई दशमलव? जब तक जीरो ना आ जाए। तो ये वाला जो नंबर है देखो, 3.333333, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन लेकिन बेटा इनमें क्या हो, ये रिपीटेशन है। रिपीट मतलब एक ही नंबर बार 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 आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। इस तरह के कभी भी नंबर आपके पास आएंगे, दो तरह के बता रही हूं मैं, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, जीरो, हाँ बच्चे बिल्कुल सही, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर मैं ले लू 0.10245 8 9, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, कभी जीरो भी नहीं आया, दशमलव कभी आपका जीरो आएगा भी नहीं, ठीक है। और वो नंबर भी कभी रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसे नंबर अगर आपको मिलते हैं दशमलव में, उसे हम बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या मेरी बात अब समझ आई है दशमलव को लेके, कि सारे दशमलव अपरिमेय नहीं होते हैं, उनमें से दो ऐसे होते हैं अगर जिसमें या तो शेषफल पूरा जीरो आ जाए, जैसे यहाँ जीरो आ रहा था, वो तो हमारे परिमेय संख्या होगी। और दूसरा कौन सा बेटा, जहां पर खत्म नहीं हो रहा, शून्य नहीं आ रहा दशमलव, लेकिन रिपीट हो रहे हैं नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये भी लू ना, 1 2 5 1 5 3 1 5 3 1 5 3, देखो 1 5 3 तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो भी ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो भी ये परिमेय संख्या होगी। क्या मेरी बातें समझ आई हैं? फिर हम अपने बैक कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे बच्चा। यहां तक समझ आया सभी को क्या मैं समझाना चाह रही, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ आया तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम फिर से, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहां तक आ गए थे, ठीक है। ठीक है, यस बेटा आप नाम बिल्कुल सही ले रहे हो, मैं बस अभी नाम नहीं ले रही बिकॉज मैं चाहती नहीं हूँ कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। चलो मैंने आपको क्या बोला, जैसे आप दो वर्गमूल दो लिख रहे हो, ये एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में बेटा कौन सी आ गई, जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या पूर्ण वर्ग है, 2 √3 √5 √7, है ना। और कौन से नंबर आ गए, जो दशमलव वाले होंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे, एक जैसे भी नहीं है और कभी खत्म भी नहीं हो रहे, जिनका शून्य नहीं होगा, क्या शेषफल, ठीक है। अब समझ आया मेरे पास मेरी बात, ये क्या है अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, और ये जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है घर वर्गमूल 4 है, 4 को आप वर्गमूल 2 × 2 लिख सकते हो, 2 एक जैसे तो बाहर आ जाएगा, 2 का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या हुई। समझ आया बच्चों मेरी बात, आगे बढ़े, क्या मेरी बातें समझ आई हैं, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलो फिर भर लेते हैं, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ये तो हमने देख लिया, परिमेय और अपरिमेय हमें समझ आ गया अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरे पास संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित करना, अब हम ये देखेंगे, सभी को पता है, ठीक है, आपके पास रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है तो बेटा सारी ही होती है, ठीक है। मैं इसको ना आपको एक अच्छे से तरीके से बताती हूँ, ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं आपको पूरा संख्या रेखा बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है। इसमें हम दो तरीके के नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा परिमेय संख्या है जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, और एक होती है अपरिमेय संख्या है। इसको बना लेना, आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। अब परिमेय अपरिमेय संख्या में तो सभी बच्चों को पता है कौन से आते हैं, दशा, एक तो आपकी आती है अपरिमेय में जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, है ना, एक तो आपने ये लिख दिया। दूसरी कौन से लिखेंगे हम,
0.1001001002 जो रिपीट भी नहीं होती, जिन्हें हम क्या बोलते हैं अनावर्सी, अशांत में आता है ये, आपका कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। अनावर्ती बिल्कुल सही, ठीक है, इस तरीके की। ये कौन से बेटा, रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है, यस। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। बेटा को परिमेय संख्या में भी हमारे दो तरीके के आते हैं, एक आता है दशमलव वाली, ठीक है, एक आता है जो दशमलव वाले नहीं होते हैं, ठीक है। अब नहीं दशमलव वाले में कौन कौन से आते हैं बच्चे, जो दशमलव नहीं है आपका परिमेय संख्या में, दशमलव वाले में भी आपके पास कौन से आते हैं, देखो जो आपका दशमलव वाले में दो तरीके के मैंने बताया, एक तो जिनसे आपको पूर्ण शेषफल शून्य मिल जाता है, जैसे 1/2, है ना, 0.5, शेषफल यहाँ पर कितना आ जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो आ जाता है। दूसरे आपने बोल रहे हैं कौन से वाले बच्चे, जैसे मैं 10/3 लिख दूं, यहाँ पर देखो 3.333 ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, इस तरह का आ जाए, ठीक है। दूसरा एक और कौन सा होगा बेटा, 2.5151515, ये देखो इसमें रिपीट हो रहा है 1515, ये भी आपका क्या है, इसमें कभी भी शेषफल क्या नहीं आएगा, शून्य नहीं, हाँ, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा, अशांत रहेगा ये, ठीक है। और इधर हम क्या देखेंगे परिमेय संख्या में, और मैंने आपको क्या बताया, और हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, है ना, और पूर्ण संख्या। अच्छा, इन्हें हम परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि हम इनको कैसे लिख सकते हैं, दशमलव रूप में, दशमलव में नहीं बेटा, आप भी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू की फॉर्म में मैम, हाँ, तो मैं इसे पी बटा क्यू में लिख सकती हूँ, यही पूरा बेटा आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, अब मैं इनके नाम नाम भी बताऊंगी बेटा, इतना समझ आया सबको, चले फिर आगे, चलो बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ आ गया है तो। अब आप वापस आ जाते हैं हमारे नंबर पे जो हम पढ़ रहे थे, चलो फिर अभी मान लो मुझे, सभी को पता है परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हो, मान लो मैंने बोला -1/2 दिखाओ, तो आप बता दोगे कि मैम -1/2 को हम दशमलव में लिख देते हैं, 0.5 माइनस का, और ये 0 और 1 के कहीं बीच में आएगा, तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगी, यही होगा ना, दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, यही होता है, यही होता है ना, कोई भी नंबर दिया हो तो आप आराम से उसको दशमलव में बदल दो और उसको संख्या रेखा पर दिखा दो, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ लेते हैं हम, क्या बेटा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। अब अपरिमेय संख्या मैंने आपको कौन कौन सी बताई है, जो वर्गमूल नहीं होता, प्रॉपर वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। तो अब देखते हैं वर्गमूल 2 मान लीजिए, या वर्गमूल 3 है, या वर्गमूल 5 है, या वर्गमूल 7 है, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, क्या सभी को आता है संख्या रेखा पर इसको बनाना, बताओ जरा, बताओ जरा चार्ट सेक्शन में। अगर मैं कहूं क्या आप संख्या रेखा पर एक मेरे को वर्गमूल 2 है इसको दिखा दो, दिखा सकते हो, ऑनेस्टी से आंसर दे दो बेटा, मैं तो सिखाऊंगी, बता दो जरा, ठीक है, नहीं आता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। देखो अब देखो, बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे आराम से बता दिया, ठीक है। अब देखो मैं सिखाती हूँ इसको कैसे हम करेंगे, देखो मेरे को क्या दिखाना है बेटा, वर्गमूल 2, ठीक है,
इसको मुझे दिखाना है संख्या रेखा पे। ठीक है, मैं समझ गई बच्चे, ध्यान से समझा आप कैसे। सभी को पाइथागोरस थ्योरम याद है, पता है पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय पता है कि आपके पास मान लो एक ना ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, मेरी बात ये ध्यान से समझना, एक त्रिभुज है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। इस त्रिभुज का ना, ये त्रिभुज में ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं इसको, ये त्रिभुज जो है ना, इसकी एक एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, मतलब एक थ्योरम होती है। वो क्या कहती है, ठीक है, वो कहती है कि आप ना जो आपकी साइड है, ठीक है, ये साइड्स मतलब रेखाएं हैं जो ये वाली और ये वाली, ठीक है, ठीक है। ये क्या कहती है कि ए बी का वर्ग, मतलब ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल होगा, बराबर होगा बी सी के स्क्वायर से, यानी कि वर्ग से। क्या इतना समझ आया? मतलब मान लो मैं साइड ले रही हूं इनकी, ये जो हमारी रेखाएं हैं, ठीक है, कोण सबको पता है ना, कोण क्या होता है बेटा, कोण तो मेरे सभी बच्चों को पता है ना, कोण और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की ये साइड है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, त्रिभुज की साइड है ना बेटा, इन इसका साइड का ये साइड मान लो जो भी है और ये साइड जो भी है, ठीक है। मान लो मैं 1 सेंटीमीटर की ये ले रही हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ बेटा, समझो ध्यान से समझो। देखो मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। मैंने इसका ये साइड लिया 1 सेंटीमीटर की ले ली, और इसे भी मैंने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, इतना समझ आया। अब मेरे पास ना एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ना और उसका एक एंगल 90, मतलब एक कोण 90 डिग्री का है, तो वो ये कहती है कि जो इसकी भुजाएं होती है ना, ये भुजाई तो है, भुजा है ना, ये जो इसकी दोनों भुजाएं है ना उनका योग, मतलब 1 सेंटीमीटर यानी कि ए बी का वर्ग, इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि बी सी ए वाली है ना, इसका स्क्वायर जो है आपका ए सी के स्क्वायर के बराबर, मतलब इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग करने पर, ठीक है, उनको जोड़ने पर जो तीसरी हमारी भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज कहता है। तो मान लो मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर की है ये, तो मैंने एक का स्क्वायर लिखा, एक का स्क्वायर क्या होता है बेटा, वर्ग क्या होता है, एक मैम एक ही होता है, ठीक है। बीसी कितना है बेटा, बीसी भी एक है, तो ये भी कितना हुआ बेटा, एक ही हुआ, ठीक है, एक, ठीक है। अब यहां से मेरे पास एसी मुझे निकालना है, एसी मुझे नहीं पता, ठीक है, एसी मतलब बेटा ये वाली भुजा की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक और एक हमारा 2 हो गया, 2 इज इक्वल बराबर है एसी स्क्वायर के। अब आपको ये पता है ना बेटा वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी का वर्ग है उसका इधर जाके वो वर्गमूल बन जाता है ना। तो मेरा एसी क्या होगा, एसी बराबर है वर्गमूल 2 के, ठीक है, तो मुझे एसी मिल गई वर्गमूल 2। इतना समझ आया सभी को? इतना समझ आया बेटा सभी को? मैं ये क्यों समझा रही हूँ वही बताती हूँ, मैम एक बार दोबारा समझाना। ठीक है। तो बेटा देखो सिंपल है, अब मैं मान लो मुझे दिखाना है वर्गमूल 2 को, तो मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस ही यूज करूंगी। अरे बच्चे एक मिनट, स्क्रीन चली गई हो, एक सेकेंड दीजिए। निशान की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, मुझे पता है आपको आ गया है, आता है। चलो देखो, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी है ना। चलो आप ऐसे समझो, आपके पास ना मैंने एक आपको ना, हाँ
एक मैंने आपका एक एक सेंटीमीटर का एक ऐसे करके आयत बना दिया, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अगर मुझे उसमें ये इसका ये वाली लेंथ, ये वाली भुजा निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं पाइथागोरस का यूज करूंगी। ए ओ बी, ओ बी का जो स्क्वायर है वो ए प्लस ए, तो यहाँ से मुझे ओ बी जो आई है ना वर्गमूल 2 आई है, जो अभी मैंने सिखाया वही, ठीक है। अब इसी को ना हम बेटा कहाँ पर संख्या रेखा पे दिखाएंगे, कैसे। मैंने क्या किया, संख्या रेखा ड्रॉ कर दी, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको समझाने के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने क्या किया ना, मैंने 1 सेंटीमीटर यहां पर करा, ठीक है, और इधर ही स्केल रख कर ना 1 सेंटीमीटर इधर रख दिया, ठीक है। अब क्या करा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर सीधी लाइन डालनी है, ये 90 का हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना आएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये बात आएगी ना। तो यही जो आपका हुआ, वर्गमूल 2 आ गया, यही आपका क्या हुआ बेटा, संख्या रेखा पर आपने दिखा दिया आपको। और बेटा एक से रिलेटेड ही दूसरा है, जैसे वर्गमूल 2 दिखाया ना, वैसे ही वर्गमूल 3 भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वर्गमूल 3 कैसे दिखाओगे, अब देखो, यस, अब आपको क्या करना है, आपने यहां से कर दिया, अब आपका प्रकार जो होगा, प्रकार को यहां रखना इस पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे जहां मैं दिखा रही हूँ, और यहां पर रखना पेंसिल को, और यहां से ऐसे ऐसे से करके एक आर्क आएगी, ठीक है, ऐसे करके यहाँ लगा देना, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या है बच्चे, आप बताओगे संख्या रेखा पर वर्गमूल 2। यस, बिल्कुल सही अन्नू की आईडी से बच्चे, बिल्कुल सही, यस। क्या अब मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को, क्या मेरी बात समझ आई, कॉपी में बना के देखना तभी समझ आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा कि ऐसे ही ना आप वर्गमूल 3 का बनाओ, तो क्या करोगे, तो पहले बेटा वर्गमूल 2 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपने क्या किया, 2 का बना दिया, क्यों, उस 2 के पर बनाने के बाद ऊपर इधर से देखो, अब मुझे क्या चाहिए, वर्गमूल 3 चाहिए। वर्गमूल 3 मुझे कैसे मिलेगा, जब मेरी एक त्रिभुज की एक साइड वर्गमूल 2 हो और एक 1 हो, तो मैंने इसे ले लिया और एक ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं क्या करूंगी, मैंने यहां पर देखो मैंने क्या किया, पहले 1 सेंटीमीटर लिया यहां से, 1 सेंटीमीटर लिया यहां से, यहां पर 90 डिग्री बन गया, मुझे पता है ये मेरा क्या होगा, वर्गमूल 2 होगा, है ना। तो मैंने यहां पर रखा अपना प्रकार, और यहां पर रखी मैंने पेंसिल, और यहां से मैंने आर्क लगा के बता दिया, ये तो हो गया मैम वर्गमूल 2। मैंने बोला वर्गमूल 3 बताओ, तो आप कहोगे मैम यहां पर रख के ना आप स्केल यहां पर बेटा इस पे, और क्या करोगे, एक ऐसी सीधी 90 डिग्री 90 का कोण बना दोगे, सीधा लाइन, ठीक है, और यहां पर रख के, और जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये बेटा क्या हुआ, वर्गमूल 3, ठीक है। तो फिर अगेन आपको इस संख्या पे बतानी है, तो यहां पर रखोगे पेंसिल, इधर रखोगे प्रकार, और इधर रखोगे अगेन पेंसिल, और आप यहां से ड्रॉ कर दोगे। ऐसे ही मैंने बोला 5 का बनाओ, वर्गमूल 5 का, तो आप कहोगे मैम वर्गमूल 5 का, तो मुझे वर्गमूल 3 और वर्गमूल किससे मिलेगा, 1 से मिल जाएगा, यहीं से मिलेगा ना। आप क्या करोगे, आप यहां पर फिर पेंसिल रखोगे, फिर 90 डिग्री का बनाओगे, है ना, और फिर इसे ड्रॉ करोगे, और फिर ऐसे करके एक और आर्क लगा दोगे, ठीक है। क्या मेरे को वर्गमूल 2 और मतलब 2 का और 3 का, क्या सभी को समझ आया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर दिक्कत आ रही है तो इसमें। बेटा ये पूछा ही जाता है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वर्गमूल 2 और इसका प्रैक्टिस कर लेना सभी बच्चे। समझ आया क्या मैम, सभी बच्चे मुझे बता दो बेटा समझ आया क्या आप लोगों को। आपको वर्गमूल 3 का बनाना ना बेटा, बस दो जो बी पॉइंट है ना इस पे स्केल को रखकर, हाँ स्केल को रखकर, या पहले डी को रखकर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बना लेना, फिर वो लाइन खींच दी, फिर इससे इस लाइन को जोड़ देना, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण तो यहां तक चली जाएगी ना लाइन, आपने को थोड़ी पता है कहां तक जाएगी वो लाइन। फिर आपने 0 से यहां पर इन दोनों को मिला दो, फिर जो ये पॉइंट मिला है ना बेटा, इन दोनों को मिला दी लाइन खींच दी,
जीरो पे प्रखर रखो और यहां पर रखो पेंसिल और आर को लगा दो ऐसे, और जहां पर जो टच करेगा पॉइंट वो आपका क्या होगा, वर्गमूल। ठीक है बच्चे? यस। चलिए बहुत बढ़िया, अगर सभी को समझ आया तो बच्चे ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए अभी ले लेते हैं आपके डाउट।